दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत की ओर से यूक्रेन का समर्थन नहीं किया गया, इसीलिए अब जर्मनी में होने वाले G7 समिट में भारत को दरकिनार करने की योजना बनाई जा रही है। इससे भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। G7 के देशों में यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली शामिल है। G7 में चर्चा के विषय में इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे तमाम विषय को शामिल किया जाता है। दरअसल अभी हाल ही में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश हुई, जिसमें लिखा गया है कि जर्मनी भारत से बहुत गुस्सा है, इसी वजह से भारत को G7 में आमंत्रित नहीं किया जाएगा। आपको बता दें, G7 समिट इस बार जर्मनी में आयोजित की जा रही है। इसके पीछे की वजह ये बताई जा रही है कि भारत रशिया को फुल सपोर्ट कर रहा है। वहीं भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो अकेले यूरोपीय संघ के देशों के कारनामों को भी उजागर कर रहा है। अमेरिका भारत से कह रहा है कि रूस से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दे। उसके जवाब में बीते कल एस जयशंकर जी ने बड़ा कमाल का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत जितना एक महीने में क्रूड ऑयल खरीदता है, उससे ज्यादा यूरोपीय संघ के देश एक दिन के दोपहर तक खरीद लेते हैं। अब एक तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भी रूस यूक्रेन के मुद्दे पर किसी का पक्ष नहीं ले रहा, तो दूसरी तरफ यूरोपीय संघ के कारनामों को भी उजागर कर रहा है। इस वजह से यूरोप के देश भारत के खिलाफ होते जा रहे हैं, क्योंकि जो सत्य है भारत वही बोल रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि 2014 तक G7 G8 के नाम से हुआ करता था और इसमें रशिया भी शामिल था, लेकिन 2014 में रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया शहर को अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद जी समिट के देशों में से रशिया को बाहर कर दिया गया। वहीं इसके पहले बीते सालों में जितने भी G7 देशों की बैठकें हुई है, उसमें भारत को भी शामिल किया गया है। यूरोपीय संघ के देश भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। भारत को रशिया से क्रूड ऑयल न खरीदने की हिदायत देते नजर आते हैं, जबकि जर्मनी जैसा देश खुद ही अपनी एनर्जी की जरूरतों का 40% से ज्यादा हिस्सा रशिया से ही इम्पोर्ट करता है, और यही दोगलेपन को भारत दुनिया के सामने खोल कर रख देता है, जैसा अभी हाल ही में जयशंकर जी ने किया था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि भारत को जी समिट के देशों की बैठक में नहीं बुलाया जाता, तो क्या इससे भारत पर कोई फर्क पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि G7 में दुनिया की केवल 10% आबादी ही शामिल है, और इसमें अगर भारत को शामिल नहीं किया जाता तो भारत के लिए दुनिया के 90% आबादी के दरवाजे तो खुले हुए हैं। वहीं अगर भारत को जर्मनी जी समिट के देशों से दरकिनार कर देता है, तो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी कम होगा, क्योंकि अभी भारत को अपने आप को बैलेंस रखना पड़ रहा है। यूरोपीय संघ, अमेरिका और रशिया सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ रहा है। वहीं कुछ महीनों के बाद ही ब्रिक्स सम्मेलन भी होने वाला है, जो इस बार चाइना में आयोजित किया जाएगा, जिसमें रूस भी शामिल होगा। इसमें बिना किसी दबाव के सीधे भारत के प्रधानमंत्री शामिल हो सकते हैं। फिलहाल अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि जी समिट में अगर भारत को शामिल नहीं किया जाता तो अमेरिका का क्या स्टैंड रहता है। भले ही जिस देश में जी समिट का आयोजन किया जाता है, उस देश को ये आजादी होती है कि किस देश को बुलाए और किस देश को ना बुलाए, लेकिन अमेरिका की बातों को भी पूरी तवज्जो दी जाती है। उधर पहले ही ब्रिक्स पेमेंट की वजह से अमेरिका का डॉलर खतरे में है। इसी मुद्दे को लेकर जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच वर्चुअल बैठक भी हो चुकी है। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया में डॉलर पेमेंट की जगह और कोई पेमेंट सिस्टम की शुरुआत हो। उधर रूस चाहता है कि रशिया, भारत और चीन मिलकर एक नए पेमेंट सिस्टम का निर्माण करे, और रूस ने तो इसका पूरा ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। रशिया चाहता है कि ब्रिक्स संगठन में जितने भी देश शामिल हैं, उन सभी की करेंसी को मिलाकर एक ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम का निर्माण कर लिया जाए। लिहाजा आने वाले दिन बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और DRDO के ज्वाइंट ऑपरेशन से बनाए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की मांग इन दिनों बढ़ती जा रही है। अब भारतीय हेलीकॉप्टर को खरीदने के लिए एक और देश नाइजीरिया आ रहा है। भारत नाइजीरियन वायुसेना को LCH हेलीकॉप्टर देने से पहले उनको 70 घंटे की ट्रेनिंग देने वाला है। लेकिन आपको बता दें, नाइजीरिया अमेरिका से भी हेलीकॉप्टर की बातचीत कर रहा है, लेकिन भारत का जो LCH हेलीकॉप्टर है, उसकी तैनाती हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड दोनों जगह की जा सकती है। भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने इसका निर्माण खास तौर पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के लिए किया है। इसकी हाई एल्टीट्यूड रेंज 16,000 फीट तक है। इसके साथ ही इसमें एक छोटी बड़ी मिसाइल भी फिट की जा सकती है। फिलहाल ये आशंका जताई जा रही है कि भारत का LCH अपाचे हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए उम्मीद है कि नाइजीरिया के ऑफिसर भारतीय LCH को ही लेने का फैसला करेंगे। इसीलिए डील से पहले उड़ाकर इसकी टेस्टिंग करना वो चाह रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।